हजार लफ्जों में कहां, दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं इसे होती है नजरों से बयां। जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, तू रोकता है क्यों भला, शरारते हैं इश्क की किसी किसी नसीब की, तू टोकता है क्यों भला। रा रा सोए नहीं तुम अभी तक? क्या हो गया अब? तुम नीचे जाके सो के, क्योंकि मेरे अंदर भी गैरत है। यहां सोने का हक तुम खो चुके हो मुराद। ठीक है, मुझे भी कुछ शौक नहीं है यहां सोने का। अहमक, गुस्सा करने के बजाय आराम से चला गया है। बताओ क्या है ये? शर्ट है। आ, अच्छा शर्ट है ये। बहुत शुक्रिया बताने का। बहुत दिनों से परेशान थी कि इस चीज को आखिर कहते क्या है। मैं चली सोने। शब्बा खैर। सूंगो इससे, सूंगो। क्या कर रही हो, पागल हो गई हो क्या? लेडीज परफ्यूम की स्मेल आ रही है। तो दो दिन में ही यहां तक पहुंच गए। हयात फजूल बातें मत करो, मुझे सोने दो प्लीज। अचानक से एक फोन कॉल आती है और तुम उठकर निकल जाते हो, और वापसी पर शर्ट पर लेडीज परफ्यूम। तो इस तरह से धीरे धीरे मारोगे मुराद? हयात होश में तो हो तुम? कम ऑन, ऐसी बातें मत करो, जाके सो जाओ यार। सुनो, तुम जो चाहे कर लो, मगर ऐसा इंतकाम ना लो मुझसे। किसी जुल्म पर फरियाद नहीं करूंगी, लेकिन छोड़ूंगी नहीं अगर कोई औरत आई। हयात, ऐसी हरकत मैं नहीं कर सकता। ओके, जाओ। ये झूठ हुआ तो बुरा होगा। जबरदस्त, अच्छा। जिससे झूठ बोला जाए वो छोड़ जाता है। ठीक है, जा रही हूं मैं, थक गई हूं। और कितनी असियत झेलूंगी। जब मैं कह रहा हूं ऐसा कुछ नहीं है तो कुछ नहीं। अच्छा तो बताओ कहां गए थे? ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। एक बात कभी ना भूलना, अगर एक बार चली गई तो फिर कभी लौट नहीं सकोगी।
ठीक है मान लेती हूँ, मगर किसी दिन ये खुला कि तुमको छुपाकर मुझे मेरे झूठ की सजा दे रहे थे तो वो दिन हयात और मुराद के रिश्ते का आखिरी दिन होगा। ये बात याद रखना मुराद, कभी नहीं भूलना। ओह, आज तो खुश खुश लौटे हैं दोनों माशाल्लाह। कहाँ गए थे? बस जरा वॉक पे गए थे अम्मी जान। खाना नहीं खाओगे? नहीं अम्मी, हमने वॉक के बाद बाहर ही खा लिया था। निजात बैठो, तुमसे बात करनी है। जी कहिए, क्या बात है? बेटा मुराद की तरफ से बहुत परेशानी है मुझे, उसके लिए हमें ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं भला उसके लिए? हाँ उसने हमेशा वही किया है जो उसने अपने लिए बेहतर समझा। कंपनी में आधे शेयर्स अपनी बीवी के नाम करते हुए किसी से पूछा था उसने, फिर भी उसकी बीवी के मिजाज नहीं मिलते। उसे तो शौहर के पाँव धो धो कर पीने चाहिए। दरिया प्लीज तुम मत बोलो इस मामले में। अगर कहूँ तो एक बार फिर उससे बात करूँ, मुराद से कहूं कि यहीं शिफ्ट हो जाए और हम अपना बोरिया बिस्तर उठाकर निकल जाएं यहां से। दारिया मैंने तुम्हें क्या कहा, समझ में नहीं आया? निजात बात को समझो प्लीज, ये सिर्फ मुझे सबक सिखाना चाहती है। मुझे तो लगता है कल रात जो बात मेरे मुंह से निकल गई थी वो आपके दिल पर लग गई। एक मिनट, कल रात क्या कहा था तुमने? हयात कम थी मोहब्बत लुटाने के लिए, क्यों ऊपर से हशमत साहब भी आ गए। दारिया बस करो। क्या मतलब है इस बात? इसका मतलब बहुत जल्द समझ आ जाएगा, हशमत साहब भी आने जाने लगेंगे, हैरान मत होना। अपनी जबान को लगाम दो दारिया। आप इतनी जज्बाती क्यों हो रही है, समझ नहीं आ रहा। हाँ एक मिनट, एक जबरदस्त आइडिया है, क्यों ना आप शादी कर ले हशमत उजुन से, फिर कोई मसला ही नहीं होगा। मुराद और उसकी दुल्हन इस घर में आकर रहेंगे, सुन लिया तुमने? अब भी कुछ नहीं समझे निजात? बहुत हुआ दारिया, तुम्हें शर्म नहीं आई ये कहते हुए? इतनी घटिया बात आखिर ये बात सोची भी कैसे तुमने? हाय वल्ला, हर फोन की घंटी पे दिल धड़कने लगता है फरीदे। तुम देखना जफर जरूर कॉल करेगा। हाँ जफर की कॉल है। बाबा की है जी। बाबा बोले। हाँ हाँ वही स्त्री कर रही हूँ बाबा जी। ओके बाबा जी ठीक है, समझ गई। यानी यही अपने कमरे से कॉल कर रहे थे वो? हाँ फ्री मिनट मिले हुए हैं ना उन्हें। अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे हैं आजकल, कहीं सर सलमास फैमिली के लिए कोई मुश्किल खड़ी ना कर दें। फैमिली के लिए? यार कितना खूबसूरत दिन है आज का, हर शय कितनी शानदार लग रही है ना असली। हाँ देखो करीम मेरा, मैं करीम की, दुनिया ही बदल गई, दिलचारा चिल्लाऊं। हाँ
ये सही है, बैल्कनी में जाके चिल्लाती हूँ जोर जोर से। सुनो मत जाओ प्लीज। देखो रुको, बाहर बहुत ठंड हो रही है, मेरी बात मान लो। रुक जाओ। ठंड हो रही है क्या? बहुत ज्यादा, बहुत। हाय असली, मुझे तो बिल्कुल ठंड नहीं लग रही। सच में ऐसा लग रहा है जैसे बाहर हर तरफ फूल खिले हुए हैं। यार जैसे बाहर का मौसम है, मुझे तो सर्दी ही नहीं लग रही। दिख रहा है। अच्छा ऐसा करती हूँ, बाहर निकलती हूँ और घूम फिर कर एक खाली दीवार ढूंढती हूँ। दीवार का क्या करोगी? शेर लिखूंगी उस पर। सोचो मैं एपिक शेर लिखूंगी, रोमांटिक रोमांटिक, फिर फेसबुक पर शेयर करूंगी मैं। हाँ फिर तो मुझे एक किताब लिख देनी चाहिए। जबरदस्त आइडिया है असली। अच्छा सुनो यार, मेरा गिटार कहाँ है? मुझे क्या पता। सुनो कॉल करके करीम को गाना सुनाती हूँ मैं। रुको, रुको यार मेरी बात तो सुनो। शानदार सेलिब्रेशन करते हैं, सुबह नाश्ता करें, इंतहाई शानदार सा। सुपर, बहुत आला, मजा आएगा, जबरदस्त नाश्ता करेंगे। ओके, नाश्ता करेंगे। अच्छा मैं हयात को कॉल कर लूँ, पता नहीं क्या कर रही होगी। सर में दर्द हो रहा है क्योंकि रात भर सो नहीं सकी ना। दादी जान ने क्यों बुलाया है? कुछ तो बताया होगा। असल में कल मिलने का डिसाइडेड था, मगर कल जो हुआ उसके बाद आज का तय किया। क्या हाल है असली? हाँ ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? ठीक हूँ बस, सर में दर्द है। कल रात बहुत ही टफ थी। अच्छा चलो गेट वेल सून। हयात हमें फौरी तौर पर मिलना होगा लाजमी। खैरियत ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई? अरे यार है ना कुछ मसला, टेलीफोन पे बात नहीं हो सकती। ठीक है मगर मैं अभी दादी से मिलने जा रही हूँ, फिर आती हूँ मैं वहाँ से। अच्छा ठीक है, उनसे मिलकर आ जाना, यहाँ पर हम इंतजार कर रहे हैं। चलो ठीक है, बाय बाय। क्या हो गया, क्या कह रही थी? मुराद को देखो, पागल ही हो गया है। पता नहीं चक्कर क्या है इसका। हयात को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। हाँ यार यही तो मसला है। अच्छा बस करो ना, दफा करो यार। देखो देखो बेशरम। शुक्रिया। हाय, मजे की होगी, देखने से ही लग रहा है। हाँ मेरी बच्ची, इससे अच्छी पुडिंग शायद पूरे शहर में कहीं नहीं मिलती होगी। तुम्हारे दादा के गांव के हैं ये लोग। दादा के बारे में आप इतना कुछ कैसे जानती हैं दादी जान? मेरे मरहूम शौहर और तुम्हारे दादा दोस्त थे। छोड़ो बहुत लंबा किस्सा है, तुमसे कुछ और बात पूछनी है मुझे। एक उलझन है मेरे जहन में। बिल्कुल पूछिए। मगर देखो बिल्कुल सच बताना मुझे, मुराद ने तुम्हें माफ कर दिया? ये क्यों पूछ रही हैं आप? मुराद ने कुछ कहा है क्या? नहीं तो वो क्या कहेगा भला, मैं खुद ही पूछ रही थी। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें दादी जान, मुराद बहुत ख्याल रखता है मेरा। मुझे लगता है जैसे मैं कोई प्रिंसेस हूं। तुम्हारे साथ नहीं सोना मुझे। जाओ। एक बात कभी ना मानना, अगर एक बार चली गई तो फिर कभी लौट नहीं सकोगी। कोई काम नहीं करने देता मुझे। वाकई मुझे बहुत चाहता है ना। तुम्हारे लिए कॉफी बनाई है। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी।
जबरदस्त, देखो हर जगह बर्बादी कर देती हो तुम जहां भी कदम रखती हो। अब खुश हो? खुशी मिल गई तुम्हें? तुमसे नाश्ता बनवाने के लिए शादी नहीं की है। ऐसा लकी कपल नहीं है हमारा, ना ही होंगे हम कभी। खामखा आदत मत डालो मुझे। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। इस बात से एग्री करता हूं, मगर बाज़ औक़ात प्यार काफी नहीं होता। माफ़ करना, ये मुझसे नहीं होगा मुराद। ना खुश होते हुए खुश होने की एक्टिंग नहीं होगी। क्यों, इतना मुश्किल काम है? मुझे तो लगता था तुम कर लोगे, झूठ बोलने में तो माहिर हो तुम। पहले पहल तो मुश्किल हुई, थोड़ा पोजेसिव है ना, मगर अब सब ठीक है। Beni bir daha hiç sevmeyecek misin? हर चीज पहले से बहुत अच्छी लग रही है, शायद आप एग्री ना करें, लेकिन मैं समझती हूँ अच्छा ही हुआ, सब मसले पहले ही हो गए। तो यानी अब वो सिर्फ मुझसे नाराज है? क्या मतलब? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, ये ऊंच नीच तो चलती रहती है। छोड़ो, तुम खाना खाओ ना, बहुत मजेदार पुडिंग है। बिल्कुल, यकीन है मुझे। यकीन नहीं आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? ठीक है तुम किसी वजह से डिप्रेस थे, लेकिन ये तो हद हो गई है मुराद साहब, क्या पागल हो गए हो? टूल, क्या हो गया? खैरियत तो है? कुछ बताओगी आराम से? इस फोटो को एक्सप्लेन करोगे जरा? हयात से बेवफाई करोगे अब? कहां से आई ये फोटो तुम्हारे पास? उन दोनों लड़कियों के फोन से जो किसी भी वक्त इसे एक बम की तरह फाड़ने वाली हैं। ढोल, क्या बात कर रही हो? कौन सी लड़कियां, कौन सा बम? सीधी बात करो मुझसे। असली और एपिक का कह रही हूँ, एपिक ने खींची है ये तस्वीरें, बहुत गड़बड़ हो गई है, और मुमकिन है कि उसने हयात को भी अब तक दिखा दी होंगी। लानत है। अरे मेरा फोन, ये लो पकड़ो। मुराद, कहाँ जाने की तैयारी है? बहुत इंपॉर्टेंट काम से जा रहा हूँ जरा, फिर मिलते हैं। इतनी जल्दी भी क्या है, मैं तुमसे मिलने आया हूँ, वो अपना काम बाद में कर लेना, मेरा मसला ज्यादा अहम है। बिल्कुल, यानी कंपनी से मुतालिक जो प्रॉब्लम्स हैं उन पर बात करनी है। कंपनी से मुतालिक प्रॉब्लम? हाँ बस, वो कंपनी में मेरे आने जाने से टाइम के मुतालिक कोई बातें, हम दोनों बैठ कर हल कर लेते हैं मामला। ये बाद में डिस्कस कर लेंगे। क्यों, अभी क्यों नहीं, चलो जल्दी आओ बस। बताओ तो क्या बातें हुई दादी से? ओहो, कोई खास बात नहीं हुई। छोड़ो इस वक्त दादी को यार, असल बात करो जिसके लिए बुलाया है। बताओ क्या कहा करीम ने? क्या कहेगा यार, यही कहा कि हमेशा चाहेगा मुझे, उम्र भर मेरा साथ निभाएगा, वगैरह वगैरह। यही कि
बस और क्या, कहा कि हर हाल में प्यार करता है मुझसे, बस और क्या, बस यही यार। यही तो कह रहे थे हम, फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। ना सिर्फ खुद फ्रस्ट्रेट हुई बल्कि हमें भी डिस्टर्ब किया, जीना दोबर कर दिया इसने हमारा। सही कह रही हूँ ना, कितना तंग किया है हमें यार। देखो यार कैसी हरकतें हैं। करीम ने लेटेस्ट फोटो भेजी है, अब क्या कहूँ। ओ भाई क्यों भेज रहे हो, मुझे तो तुम हर हाल में अच्छे लगते हो डार्लिंग। यार कितनी शानदार स्माइल है ना, मुस्कुराता है तो पूरी दुनिया मुस्कुराने लगती है। बहुत हैंडसम है ना, देखो। सुनो मैं बता नहीं सकती कि कितना अच्छा लगता है जब वो सामने आता है, खुशी से पागल हो जाती हूँ मैं। यार ये देखो जबरदस्त लग रहा है ना। अरे मुराद तुम्हें क्यों कॉल कर रहा है, वो नहीं लग रहा होगा मेरा। वो जो फोटो है ना, देखो हरगिज हयात के हाथ नहीं लगना चाहिए, समझ गई। कौन सा फोटो कह रहे हो मुराद? मुराद कौन से फोटो की बात कर रहे हो? हाँ बोलो मुराद, तुम फिक्र ना करो, कोई मसला नहीं होने वाला। ओके चलो फौरन बताओ क्या चक्कर है ये। कैसा चक्कर यार? कौन सा फोटो है जो मेरे हाथ नहीं लगना चाहिए? कैसी फोटो भाई, फोटो का कोई चक्कर ही नहीं। बताओ क्या चक्कर चला रही हो? अरे कोई चक्कर नहीं चला रहे। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि हम कोई चक्कर चला रहे हैं तुम्हारे साथ? बात सुनो अभी बता दो वरना और गड़बड़ हो जाएगी। या अल्लाह क्या करें भाई, दिखानी ही पड़ेगी अब तो शायद। असली तो फिर वो फोटो दिखा ही देते हैं, मुराद का सरप्राइज खराब हो जाएगा और कुछ नहीं। सरप्राइज? यार मुराद भी ना, अब खुद ही टैकल करेगा भाई तुम्हें। अपना सरप्राइज खुद ही बर्बाद कर दिया उसने। मुराद भी अजीब है। सरप्राइज था कोई? हाँ बिल्कुल सरप्राइज था। अच्छा तुम लोग जरा एक्सप्लेन करोगी कि किस किस्म का सरप्राइज था? हाँ क्यों नहीं कर देंगे बिल्कुल। अब देखो ये जो मुराद है ना, अब इसे हमारी हेल्प की जरूरत पड़ गई है। असल में बात ये है कि वो फोटो है ना, वो जो फोटो है, तुम क्या समझ रही थी कौन सा फोटो होगा? अच्छा अब उठो चलो और अपने सरप्राइज का वेट करो जो मुराद तुम्हें देने वाला है, देखते हैं क्या निकलता है। मुझे इंतजार करना है। क्या तुम्हें अभी भी यकीन नहीं आ रहा? चलो चलो उठो। कॉल जरूर करना हमें, बताना कैसा रहा सरप्राइज। बाय, खुदा हाफिज। बाय। चलो अब मुराद को कॉल करो कि सरप्राइज तैयार रखे। मुराद एक बात पता चली है, मगर मुझे नहीं लगता कि किसी सूरत पॉसिबल है वो। हशमत साहब आजकल रोजाना कंपनी आ रहे हैं। जो कहना। ओके मुझे तो बहुत हंसी आ रही है, इट वॉज वेरी फनी। चलो अब बताओ कि ये सच है? हाँ ये सच है टूल। समझी, समझ गई मैं, ये ख्वाब है यकीनन। जरा मुझे चुटकी काटना। अब तो एक्सेप्ट करना होगा, कुछ नहीं हो सकता। इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता, मैं तो मर जाऊंगी जीते जी। टूल हम फिर किसी वक्त डिस्कस कर लेंगे ये मसला, क्योंकि मैं इससे ज्यादा क्रूशियल मसले में फंस गया हूँ इस वक्त। इससे ज्यादा क्रूशियल मतलब? हाँ यानी हयात को मालूम हो गया? कैसी बेवकूफी हुई है इन लड़कियों से? उनसे नहीं मुझसे हुई।
हाँ बोलो एपिक, क्या कैसा सरप्राइज? मैं मैनेज करूं? आप आ जाओ बेटा, आ जाओ, इसको मेरे साथ लेकर आओ, इसे यहीं खड़ा कर दो और मैं अभी पता लगाता हूँ कि ये किस तरह के कपड़े बनाए जा रहे हैं यहाँ पर। बात सुनो। हाँ। ठीक है, फैशन कोई बुरी चीज नहीं है बिल्कुल, लेकिन ये बच्चियों की फ्रॉकें औरतों को पहनाओगी? लंबाई देखो इसकी कितनी कम रखी है, किस तरह खेल रहे हो तुम लोग अपने कस्टमर से, एक बार ले जाने के बाद पलट कर कौन आएगा? एक मिनट रुको। हेलो, बोलो। बोल रहा हूं, तो मुझे क्यों फोन कर रहे हो? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो क्या फौरन आना होगा मुझे? ऐसा भी क्या है? ठीक है ठीक है, आता हूँ। मैं चलता हूँ, मुझे इमरजेंसी में कहीं पहुँचना है। नहीं मगर तुम फिक्र मत करो, कल बात करते हैं इस पर, ठीक है? हाय, रुक जाते तो अच्छा होता ना बहुत। चले खैर फिर सही। हाँ। खाले में चेस। एपिक, वैसे हम दोनों भी इस झूठ में हिस्सेदार नहीं हो गए? मुराद बात को संभाल लेगा यकीनन किसी न किसी तरह, है ना? मुझे नहीं पता असली। ओहो, मुझे बेचैनी हो रही है, मैंने उन दोनों को साथ देखा था। मुझे बात करनी है मुराद से, पूछना है मुझे क्या चक्कर है ये। एपिक एक मिनट रुको यार, कुछ और भी तो हो सकता है, खुद सोचो। अभी कुछ दिन पहले तो उनकी लव मैरिज हुई है यार, मुझे तो लगता है बात खुलेगी तो कुछ और निकलेगा यकीनन। क्या मालूम, मर्दों का कोई भरोसा नहीं, हरगिज नहीं। मुझे तो नहीं लगता कोई ऐसी बात हो सकती है। और क्या? चलो खैर, अभी तो कोई सरप्राइज प्लान कर रहे होंगे मुराद साहब, देख लेना। याद नहीं शादी से एक दिन पहले उसने कैसे सरप्राइज दिया था, इसमें तो वो एक्सपर्ट है ना? ये सेठ फिर आ गया। अरे 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 सुनो, इधर आओ। नहीं, मुझे फिर से अपना नुकसान नहीं करवाना। उस दिन मेरा मूड बहुत खराब था, बहुत बुरा दिन था वो, जो हुआ उसके लिए माफ़ कर। चलो अच्छा ठीक है, देखो तुम्हारी घरवाली की तरह खूबसूरत है ये फूल। बहुत शुक्रिया। ठीक है बेटा, खैर से जाओ। O zaman hayatta Murat diye bir şey kalmaz. Yüzümü bir daha göremezsin. Bunu sakın unutma. बताओ, एक भी कोई ढंग का ड्रेस नहीं है मेरे पास। जो रोड पर फूल बेचते हैं उनके कपड़े बेहतर होंगे। आज तो उसे तपाना था, ड्रेस क्यों नहीं मिल रही यार? दुरुग कैसे हो बेटा, इधर आओ जरा मेरे पास। क्या हुआ दादी जान? ये अपने भाई को दे आओ जरा। आपने क्यों नहीं दिया इसे? हाँ ये बुढ़ापा ऐसी ही चीज है, भूल गई बस। दादी अभी थक गया हूँ, सुबह चला जाऊंगा। दुरुक मैंने कह दिया, अभी देकर आओ जाके। लड़की जितनी जल्दी इसे पहन ले बेहतर होगा, उंगली खाली रहना ठीक नहीं होता, अच्छा शगुन नहीं होता। परफेक्ट है यार,
लेट्स गो। हशमत दादा। अरे तुम कहाँ आ गए खालिद, खूब मिले अचानक। खैर तो है, पैसों की बात तो करने नहीं आए ना यहाँ। मुझे अभी तनख्वाह नहीं मिली, पैसे नहीं दे सकता। हाँ 21 तारीख को तनख्वाह मिलेगी, बता दूँ तुम्हें। नहीं दादा, पैसों की कोई बात नहीं, जफर भाई का फोन आया था। वो कह रहे थे कि 2 हफ्ते बाद आएंगे समंदर से वापस। उन्होंने कहा कि जाकर बता दो दादा को। ओह, और कोई रह गया है, वो भी आ जाए यहाँ पर। सब आ जाए एक एक करके यहाँ। कभी कभी तो मेरा दिल चाहता है किसी सुनसान जजीरे पर निकल जाऊं यहाँ से, वहीं मछलियां पकड़ता रहूं, बस भून भून कर खाता रहूं। इतना तंग आ गया हूं मैं, दिल भर गया है यहाँ से। अब छोड़ो, तुमसे क्या कहूं। ये क्या है? खाना पका के फ्रिज में रख दिया है मैंने, गरम करके खा लेना, मेरा वेट ना करना, लेट हो जाऊंगी। हयात, जबरदस्त, अब पता चलेगा मिस्टर अकड़ू को। ओह, सो दिस इज लाइफ मिस्टर मुराद। अब आपको अंदाजा होगा जनाब कि असल में टेंशन होती क्या है। फ्लावर्स लेकर आया था बेचारा, बच्चों की तरह बहलाना चाह रहा था। ये सब नहीं चलेगा मिस्टर मुराद, हरगिज नहीं। आखिर गई कहां है ये हयात? देखो जरा, हर चीज बखेर कर रही है। ये क्या है, किस तरह के ट्राउजर्स हैं? देखो जरा, और ये क्या है, इस तरह के कपड़े पहनना ना पहनना बराबर है? इस तरह की ड्रेसिंग करके बाहर गई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकती वो। अरे कहां चला गया ये, नजर ही नहीं आ रहा, फोन तक नहीं किया, अभी तक पूछा भी नहीं कहां हूं मैं। किस तरह का आदमी है ये? ओह, आ गया। हाय स्वीटहार्ट, माय डियर हस्बैंड, अब तुम्हें काफी देर वेट करना होगा। अरे क्या किया ये इसने, इतने प्यार से खरीदे हुए फ्लावर्स फेंक दिए। इस वक्त किसका फोन आ गया? ओके ओके, अच्छा बस रिलैक्स करो। क्या, चोर आ गया? ओके मैं आ रहा हूं। ओके कहां जा रहा है अचानक? अरे कहां जा रहा है यार, अब क्या करूं मैं? Thank you.
से यार। तुम्हें अल्लाह ने भेजा है इस वक्त। हयात क्या हुआ? चलो चलो पीछा करो उसका। हयात हुआ क्या है बताओ तो। बता दूंगी चलते रहो। तुमने आज ड्रिंक तो नहीं की? अरे क्या हो गया, मैं क्यों ड्रिंक करूंगी भला। ओहो दुरूक तेज चलाओ ना। पता तो चले आखिर हम जा कहां रहे हैं। कैसे एंड टाइम पर आ गए ना तुम। दादी ने रिंग भिजवाई है वो देने आया था, कहा था भाई को दे देना। दे देना अभी तो फॉलो करो उसे। क्या मतलब हम भाई का पीछा कर रहे हैं क्या? ब्रावो दुरूक कितने जहीन हो तुम। ऐसी बकवास गाड़ी और किसके पास हो सकती है भला। बताओ अब आधी रात को मामला तय होंगे हमारे। चलो तेज चलाओ जल्दी। ये वक्त भी आना था कि मुझे अपने ही भाई की जासूसी करनी पड़े। ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ी जो गड़बड़ चल रही है ना उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। बाबा किसी दिन आप मेरे साथ मार्केट चलें, आपके लिए नए कपड़े ले लूं, क्योंकि एक ही सूट रोज धोकर पहनते हैं, इसी वजह से कह रही हूँ। तुम्हें पता है ना कि मैं आने वाले कल के लिए प्लानिंग नहीं करता इमने। क्या पता कल जिंदा रहूं भी या नहीं। ये कैसी बात कर रहे हैं बाबा, ऐसा ना कहें खुदा के लिए। तौबा करें तौबा करें, अभी तो आप अस्पताल से वापस आए हैं बाबा, अल्लाह आपको सेहत दे। मौत तो बिल्कुल बरहक है, किस वक्त किसकी लिखी है ये वही जानता है। क्या खबर कल की या अगले लम्हे की। बालों की लट संभाल कर रखूंगा मरते दम तक, और याद है तुमने कहा था तुम मरते दम तक मेरी चाहत संभाल कर रखोगी। तुम्हारा अहद कहाँ के असमी, तुमने तो मुझसे माजरत तक नहीं की। क्या माजरत करना, क्या कोई इतना मुश्किल काम था तुम्हारे लिए असमी? कोई मुश्किल काम नहीं था।
कहाँ।